Hello friends, this is Shreyas Badiye. Welcome to my YouTube channel. This is the new video from Indian Polity series in which we'll discuss Public Accounts Committee. So, चलिए सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में. तो ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये सबसे पहले सेटअप हुई थी इन द ईयर 1921. ये याद रखना, अब 1921 है यानी सेटअप हुई है तो इसके पहले ही कोई एक्ट आया होगा जिसके थ्रू इसको सेटअप किया गया होगा. तो ये एक्ट जो आया था वो आप जानते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. मैं मेरे जो वीडियो सीरीज है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये एक्ट डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ. सो यहाँ पे दो कीवर्ड्स आपको मिलते हैं, एक है 1921 जो कि इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है और सेकंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 जिसके थ्रू ये सेटअप किए गए. यानी इस एक्ट में इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लेके प्रोविजंस थे. अब इसकी प्रेजेंट सिचुएशन हम देखते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है. तो प्रेजेंटली इस ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसमें 22 मेंबर्स है. तो ये सब हम पहले फैक्ट्स देख रहे हैं, बाद में ये क्या काम करती है ये देखेंगे. सबसे पहले याद रखेंगे अभी फिलहाल इसमें 22 मेंबर्स है जिसमें से 15 मेंबर्स जो है ये लोकसभा से आए हुए हैं और 7 मेंबर्स जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं. ये आपको याद रखना है, 7 फ्रॉम राज्यसभा, 15 फ्रॉम लोकसभा, टोटल 22 मेंबर्स एट प्रेजेंट. जो टर्म होता है ये मेंबर्स का वो होता है 1 ईयर, एक साल के लिए ये लोग यहां पे आते हैं. तो यहां पे उसके साथ साथ याद रखिएगा द मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड. जो मिनिस्टर होता है वो इस कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा. उसके साथ साथ जो चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के वो अपॉइंट होते हैं फ्रॉम उन्हीं जो ये मेंबर्स जो चुने गए हैं उन्हीं में से इनको चुना जाता है चेयरमैन को. और ये जो चेयरमैन होते हैं इनको चुनते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं हमारे स्पीकर. तो स्पीकर विल अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ इट्स ऑफ द कमिटी फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर. मेंबर्स में से ही एक इंसान को चेयरमैन बनाया जाता है, जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से ही एक इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, सेम चीज़ होती है. ये यहाँ पे स्पीकर करते हैं इनका अपॉइंटमेंट. अब यहाँ पे हम देखते हैं 66-67 तक क्या सिस्टम चलता था. तो यहाँ पे आप देख सकते अंटिल द ईयर 1966-67 जो चेयरमैन होते थे इस कमिटी के चेयरमैन ये रूलिंग पार्टी से हुआ करते थे. अभी 67 के बाद पूरा सीन बदल चुका है और अभी जो चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के वो अपोजिशन से होते हैं. ये चीज़ आपको याद रखते हुए आप चल सकते हैं. फिलहाल ये कल्चर चल रहा है ऐसा याद रखिएगा. बाकी ऐसा कोई प्रोविजन बहुत सारा नहीं दिया हुआ है कि अपोजिशन से ही होगा रूल, पर यहाँ पे आपको याद रखना है कि अभी अपोजिशन से होते तब तक रूलिंग पार्टी से हुआ करते थे. तो यहाँ पे ये जो मैंने जितने भी फैक्ट्स बताए इन्हें अच्छे से याद रखिएगा, ये सब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैक्ट्स हैं. सो अब हम फंक्शंस जो है कमिटी के वो स्टडी करते हैं. सबसे पहले देखिए मैं आपको एक एक फंक्शन अच्छे से बताता हूँ. यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन में लिखा है टू एग्जामिन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द फाइनेंस अकाउंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी अदर अकाउंट्स लेड बिफोर द लोकसभा. जो लोकसभा के सामने अकाउंट्स रखे जाते हैं गवर्नमेंट के उनको एग्जामिन करना. तो यहाँ पे दो अकाउंट्स के स्पेशली नाम लिए गए, अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट. अब हम देख लेते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसमें क्या होता है. अप्रोप्रिएशन यानी हम किसी चीज के लिए पैसा मांग रहे हैं, समझ जाइए जो भी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमको कहीं किसी चीज के लिए पैसा खर्चा करना है तो वहां से हम पैसा निकाल रहे हैं. इसके लिए हमने लोकसभा के सामने एक बिल रखा हुआ है अप्रोप्रिएशन बिल. मैं आपसे ये चीजें पिछले ही वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं. अब ये अगर बिल लोकसभा से पास हो गया और वो एक्ट पास होने के बाद कोई भी बिल एक्ट बन जाता है और अप्रोप्रिएशन एक्ट बन गया. ये होने के बाद ये कमेटी का ये काम होता है कि जो पैसा जितना भी पैसा समझ जाइए 1 करोड़ अगर पार्लियामेंट ने सैंक्शन किया था तो क्या 1 करोड़ रुपीस इन्होंने यूज किया है या 1 करोड़ सैंक्शन करा के पूरा 1 करोड़ यूज ना करते हुए 90 लाख ही यूज किया है. तो ये सब चीजों के यहाँ पे इनको एग्जामिनेशन करना पड़ता है कि जितना पैसा सैंक्शन हुआ था क्या उतने का खर्चा हुआ है. तो यही यहाँ पे लिखा गया है द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कंपेयर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद एक्सपेंडिचर सैंक्शन बाय पार्लियामेंट. तो ये चीजें ये लोग एग्जामिन करते हैं. तो यहाँ पे आपको ये जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट था इसके बारे में बता चुका हूँ क्या रोल होता है इस कमेटी का. अब देखते हैं फाइनेंस अकाउंट पे क्या रोल होता है. फाइनेंस अकाउंट में सबसे पहले क्या होता है, फाइनेंस अकाउंट में होता है रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर. यानी जो पैसा आ रहा है
वो और जो पैसा जा रहा है वो, तो रिसिप्ट यानी जो पैसा आ रहा है और एक्सपेंडिचर यानी जो पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एनुअल रिसिप्ट्स दी जाती है फाइनेंस अकाउंट में और डिसबर्समेंट होता है। डिसबर्समेंट यानी जो भी पेमेंट किए है गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट में, तो इसका एग्जामिनेशन करना कि जितना आया उसमें से बराबर पेमेंट कितना हुआ है, क्या हुआ है, कितना पैसा आया है, ये सब चीज़ों को एग्जामिन करने का काम करते हैं हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये आई होप आपको समझ चुका है। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो ऐसा कहता है, इन स्क्रूटिनाइजिंग द अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑन इट द कमिटी हैज टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट, इसका मीनिंग ये होता है कि स्क्रूटिनाइज यानी कि जब एग्जामिन कर रही है अप्रोप्रिएशन अकाउंट को, ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को या फिर कोई ऑडिट रिपोर्ट जो कैग के पास से आई है उसको, तब कमिटी को कुछ चीजें ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है कि सबसे पहले देखिए इस चीज़ों पे कंपनी वर्क करती है, कमिटी वर्क करती है। द मनी दैट हैज़ बीन डिसबर्स्ड, जो भी मनी यहाँ से गया है यानी जिनके पेमेंट हुए या जो भी हुआ है, डिसबर्स हो चुका है जो मनी, वो लीगल था, वो लीगली अवेलेबल था वही सर्विस के लिए या उसी पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये लीगली अवेलेबल था, किसी रॉन्ग मीन से नहीं लाया गया था, ये सबसे पहले देखते हैं। एक्सपेंडिचर जो होता है कंफर्म्स टू द अथॉरिटी दैट गवर्न्स इट, ये एक्सपेंडिचर वहां पे उस अथॉरिटी को कंफर्म किया जाता है जो कंपनी उसको गवर्न कर रही थी, जो भी डिपार्टमेंट है जो भी सर्विस है उसको गवर्न करने वाली अथॉरिटी जो होगी उसको ये एक्सपेंडिचर, यानी एक तरह से आप सोच सकते हैं कि उनसे ये इंफॉर्मेशन मिलती है जो अथॉरिटी गवर्न कर रही थी उनसे। उसके साथ साथ जो ये दो पॉइंट के बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ऐसा कहता है, एवरी रीअप्रोप्रिएशन, रीअप्रोप्रिएशन यानी मैंने क्या होता है इसका मीनिंग आपको मैं रीअप्रोप्रिएशन बता चुका हूँ, यानी किसी चीज़ के लिए कुछ अप्रोप्रिएशन हो चुका है बट उसी को हम किसी और जगह पे लगा रहे हैं तो उसको रीअप्रोप्रिएशन कहते हैं। मैं पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये जो होगा उसके अकॉर्डेंस चल रहे हैं कि नहीं, ये अकॉर्डेंस वही रिलेटेड जो रूल्स बने हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं रीअप्रोप्रिएशन या नहीं, यानी रीअप्रोप्रिएशन जो हुए हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग हुए हैं या नहीं, ये तीन चीज़ें इनको देखना पड़ता है। ये जो स्क्रूटिनाइजिंग करते हैं जब पब्लिक अकाउंट्स कमिटी अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का, तो याद रखेंगे आप लीगली अवेलेबल है कि नहीं, सेकेंड है कि एक्सपेंडिचर है वो अथॉरिटी से कन्फर्म कराते हैं, यानी उसके बाद रीअप्रोप्रिएशन जो होता है वो रूल्स के ही अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है, ये कुछ चीज़ें जो होती है इस पर काम करते हैं हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। अब देखिए जो अगला पॉइंट है, अगला इनका फंक्शन है टू एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशंस, ट्रेडिंग कंसर्न्स, उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन देम, यानी जो कैग होते हैं जो ऑडिट रिपोर्ट देता है कैग इन चीजों को, जब जो जैसे कि स्टेट कॉर्पोरेशन है कोई, उसके साथ साथ ट्रेड है, कोई भी बिजनेस व्यापार चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इन पे जो कैग जो रिपोर्ट देता है उसको एग्जामिन करते हो, कैग के रिपोर्ट को एग्जामिन करता है ये पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। अब ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी है ये इसको एग्जामिन करेगा तो एक्सेप्ट दोज, देखिए कौन से इसके नहीं, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स है विच आर अलॉटेड टू द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे नहीं, जो जो किसके पास दिए हुए हैं, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये अलग एक कमिटी है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स के पास है उसके ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमिटी नहीं काम करेगा, बाकी सभी जितने भी स्टेट के अंडर आती है कंपनी, स्टेट कॉरपोरेशन, ट्रेडिंग कंसर्न्स, जो भी बिजनेस चल रहे ट्रेड स्टेट के, जो भी चल रहा है उस स्टेट में, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये सब पे जिन पे जो कैग होता है ये रिपोर्ट देता है और उन सबको एग्जामिन करने का काम पब्लिक अकाउंट्स कमिटी करती है। उसके बाद देखते हैं टू एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज, द ऑडिट ऑफ विच इज कंडक्टेड बाई कैग, फिर से कैग ने किसी ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज जो होती है उनका, जो देख सकते हैं आप पूरी तरह ऑटोनॉमस है, थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी बॉडीज है कुछ, और कुछ सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज है, ऐसी जो ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस जो भी बॉडीज है जिनका ऑडिट कैग ने किया है, ये भी जो अकाउंट रहेगा इसको भी एग्जामिन करेंगे ये पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो इनके अकाउंट्स ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज के अकाउंट्स यहाँ पे एग्जामिन करने का काम भी पीएसी का।
मैं आपको ऑटोनॉमस का क्या मीनिंग होता है, सेमी ऑटोनॉमस का क्या मीनिंग होता है ये भी बता देता हूँ। ऑटोनॉमस यानी ऐसी कोई बॉडी जो खुद का गवर्न खुद कर रही है खुद को, जिसके ऊपर कोई नहीं, वो इंडिपेंडेंटली अपना खुद का गवर्नेंस देख रही है, खुद को गवर्न कर रही है। जैसे हम देखते हैं ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आते, खुद का खुद देखते हैं वैसे, या फिर सेमी ऑटोनॉमस यानी वो खुद को गवर्न कर रही है और उसके साथ साथ उनको कोई और भी गवर्न कर रहा है, इस तरह की कुछ बॉडीज। तो इनके अकाउंट्स भी जो कैग जिनका ऑडिट करता है, ऐसे अकाउंट्स भी यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है वो एग्जामिन करती है ऐसे अकाउंट्स। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टू कंसीडर द रिपोर्ट ऑफ द कैग, जो कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिन्होंने ऑडिट किया है किसी भी रिसिप्ट का, जो भी रिसिप्ट यानी जो भी पैसा आ रहा है उसका, और टू एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक्स। तो यहाँ पे जो भी ये कैग की रिपोर्ट होता है उसको कंसिडर करने का जो काम होगा उसको देखेगा फिर से पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो भी कैग ने रिपोर्ट बनाया है ऑडिट करके किसी भी रिसिप्ट का, जो भी पैसा आ रहा है उसका, इसको भी ये कंसिडर करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इनके हाथ में रहेगा। उसके साथ साथ एग्जामिन करेंगे किसी भी अकाउंट्स के, अकाउंट्स कौन किसके अकाउंट, कोई भी स्टोर्स है या फिर स्टॉक्स है, जैसे कि शेयर मार्केट हो गए, ये स्टोर्स या फिर स्टॉक्स है ना, जैसे कि शेयर हो गए, ये सब चीजों के प्रेफरेंस शेयर हो गए, तो इन सब के अकाउंट्स भी एग्जामिन करने का काम पीएसी करता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करता है। उसके साथ साथ टू एग्जामिन द मनी स्पेंट ऑन एनी सर्विस, जो भी आप पैसा खर्च कर रहे हैं किसी भी सर्विस पे ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर के वक्त, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था उस वक्त आप कुछ खर्चा कर रहे हैं किसी भी सर्विस पे इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड बाय लोकसभा फॉर दैट पर्पस। फॉर एग्जांपल, आपको लोकसभा ने 1 करोड़ रुपीस अलॉट किए थे, आपने खर्चा किया है किसी सर्विस पे, जो कि सर्विस होगी सर्विस नाम ए नाम की कोई सर्विस है जिसके लिए आपको 1 करोड़ रुपया मिला है, अलॉट हुआ है, आपने उसके ऊपर खर्चा कर दिया 1.5 करोड़ का, तो ये जो ज़्यादा का खर्चा हुआ है ये खर्चा सच में किस तरह का खर्चा है, इसको भी एग्जामिन कौन करेगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसको एग्जामिन करेगी। तो ये चीज भी आपको याद रखते हुए चलना है, जो ज्यादा का खर्चा हो गया उसको भी एग्जामिन करेगा कि सच में ज्यादा हुआ है या नहीं, या किस तरह के इस पे इन्वेस्ट किया गया, कहाँ खर्चा किया गया, ये सब चीजों को यहाँ पे जांचा जाएगा और इसको जांचने का काम करेगा पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। उसके बाद हम जान लेते हैं, यहाँ पे पूरे इनके फंक्शंस देख लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंक्शंस हमने यहाँ पे स्टडी किए पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। अब देखते हैं कुछ लिमिटेशन, अब ये जो इनके जो काम है इस पे कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, ठीक है, कुछ रोक भी लगाई गई होगी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम कर सकते, तो देख ही सकते हैं हम लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहले, इट इज नॉट कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी, यानी अगर हम ब्रॉडर सेंस में इसको अगर देखें इसके फंक्शंस, तो ये जो पॉलिसीज है पॉलिसीज को लेके इनको नहीं यहाँ पे पावर होता है, तो ये सबसे पहली चीज है जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही है उसको। सेकेंड है, इट कंडक्ट अ पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी देखिए जैसे कि डॉक्टर्स जो होते हैं ये पोस्ट मॉर्टम करते और निकालते हैं कि क्या रिजल्ट्स थे, क्या कारण थे, क्या रीजंस थे जिसके कारण ये हुई है डेथ या जो भी है, तो उसी तरह ये एग्जामिनेशन करते हैं, जस्ट लाइक अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं उस अकाउंट का कि ये यहाँ क्या पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, ज्यादा खर्चा हुआ तो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब चीजों का पोस्टमार्टम यहाँ पे किया जाता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद, इट कैन नॉट इंटरवीन इन मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, है रोज का है, रोज जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है आपका उसमें ये लोग इंटरवीन नहीं कर सकते कि आ गए फिर से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, नहीं बताइए आपका आज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो रोज के जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है आपका उसमें ये कोई दखल नहीं देंगे, ये भी एक उनके ऊपर लिमिटेशन डाला है। उसके साथ साथ, इट्स रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द मिनिस्टर, अब ये लोग जो भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं ये सिर्फ एडवाइजरी होते हैं, ये आप मानो चाहे ना मानो ये मिनिस्टर्स की मर्जी होती है, मिनिस्टर्स अगर चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, ना चाहे तो एक्सेप्ट ना करे, ये मिनिस्टर्स की अपनी एक डिसीजन होगा। इनका बस यहाँ पे इतना ही रोल है कि एक एडवाइस करना कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, बाकी मानना ना मानना मिनिस्टर्स के हाथ में, तो ये बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ एडवाइजरी यानी एक एडवाइस के रूप में आए हुए है ये रिकमेंडेशन। उसके साथ साथ, इट इज नॉट वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिस अलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द डिपार्टमेंट, इसका मतलब आपको ये पावर नहीं है कि आप किसी डिपार्टमेंट में जाके बोलो कि आपको एक जो एक्सपेंडिचर है ये इसको आप नहीं करने दे रहे किसी डिपार्टमेंट को, ऐसा आप नहीं कर सकते। जो डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर कर रहा है वो कर सकता है, आप उनको रोक नहीं सकते, उनको डिसअलाउ नहीं कर सकते एक्सपेंडिचर से, ये आपके पास पावर नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में जाके। तो इट इज़ नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड हेंस कैन नॉट इशू एन ऑर्डर,
तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कोई भी इशू नहीं कर सकते कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, तो कोई ऑर्डर इशू कर सकेंगे क्या ये कैग? तो नहीं, कैग सॉरी मैं कैग बोल रहा हूँ, पीएसी, पीएसी कोई भी ऑर्डर यहाँ पे जो होंगे यहाँ पे नहीं इशू कर सकते, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। एग्जीक्यूटिव जो होता है वही यहाँ पे एक जो भी काम है वो ऑर्डर है आदेश है वो दे सकता है, बाकी ये लोग नहीं दे सकते। इनके ऊपर डिसीजन जो फाइनल रहेगी वो पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट इस पर फाइनल डिसीजन लेगा कि क्या है क्या नहीं, क्या सच्चाई है इस पर। तो इनकी जो भी रिपोर्ट होगी ये एडवाइजरी है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इस तरह से ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी होती है ये हमारे कंट्री में काम करती है। सो आई होप आपको पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो है ये क्लियर हो चुका है, मैंने डिटेल में आपको ये टॉपिक लिया। उसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस नए वीडियोस के मिलते रहे। उसके साथ साथ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतने ज़्यादा वीडियोस मैं अपलोड करते रहूँगा। शेयर कीजिए और ज़्यादा लोगों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। आप और अगर अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरे पेजेस को भी लाइक कर सकते हैं फेसबुक पे, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मुझे shreyasbadiye@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। So thank you so much for watching and have a very good day.